हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं तो राज हूं क्रिश्चन। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाले कि आप लोग को हाउस वैल्यू में पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले कि आप लोग को हाउस वैल्यू में पॉइंट कैलकुलेट कैसे करना है और आप लोग को हाउस वैल्यू में पैसे कैसे लेना है। एक तो आप स्क्वायर फिट के हिसाब से ले सकते हैं, एक तो आप पॉइंट को कैलकुलेट करके पैसे ले सकते हैं, और एक तो आप पैसे अपने हिसाब से ठेका ले सकते हैं कि आपको कितने पैसे लेना है और कितना काम है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को फुल जानकारी देंगे कि आपको पॉइंट कैलकुलेट कैसे करना है और आपको पैसे कैसे लेना है और आपको स्क्वायर फिट के हिसाब से कैसे पैसे लेना है। सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आज वीडियो आप लोग पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आप लोग के मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि हाउस वायरिंग में आपको पैसे कैसे लेना चाहिए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक रूम बना हुआ है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि हाउस वायरिंग में आपको पॉइंट कैलकुलेट कैसे करना है और आप लोगों को पैसे कैसे लेना है, और हम लास्ट में बताएंगे कि आपको स्क्वायर फिट के हिसाब से पैसे कैसे लेना है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताएंगे, बस आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रूम बना हुआ है, और चलिए हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे बाहर का नज़ारा है और ये हमारे छज्जों में जो लाइटें लगती हैं, यहाँ पर हमारी लाइटें लगेंगी। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि आप लोग को स्विच को पॉइंट नहीं मानना है। अगर आप लोग स्विच से पॉइंट को मानते हैं तो आपका नुकसान आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर यह होता है कि जो है जो हमारे छज्जों में लाइटें लगती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होल्डर लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसील लाइटें लग जाती हैं, और उसका कनेक्शन एक या दो स्विच से कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, अगर स्विच के हिसाब से पॉइंट लेते हैं तो आपका उसमें नुकसान आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को यह चीज़ ध्यान रखना है कि आप चाहे जहाँ पर वायरिंग करें आपको होल्डर के हिसाब से जो है पॉइंट मानना है, ठीक है। जैसे हमारे छज्जे में जितने बल्ब लगे हैं, जितने होल्डर लगे हैं, आपको उतने पॉइंट मानना है, ठीक है। इससे आपका नुकसान नहीं आएगा और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप लोग स्विच से लेते हैं तो आप लोग को नुकसान आ जाएगा, क्योंकि उसमें लाइटें ज़्यादा लग जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे हमारे रूम में, जैसे कि एक यहाँ पर रॉड लगी हुई है, तो इसका हम एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। इसका कनेक्शन स्विच से करना है, हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर हमारा फैन लगा हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फैन का सिस्टम अलग होता है, ठीक है। फैन का जो ज़्यादा चलता भी आपको बताते हैं कि फैन में अगर हमारा रेगुलेटर लगा होता है तो उसका ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमारा फैन में अगर सिंगल स्विच लगा हुआ है तो फैन का कनेक्शन स्विच से करेंगे तो हमारा एक पॉइंट हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर फैन का कनेक्शन सीधे हम स्विच से कर देंगे तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, और अगर उसमें हमारा रेगुलेटर भी लगा है तो हमारा दो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने रेगुलेटर में कनेक्शन किया तो हमारा दो पॉइंट हो जाएगा, और अगर सिंगल स्विच में करते तो एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर आप वायरिंग करें अगर वहाँ पर रेगुलेटर लगा तो आप उसको दो माने, और अगर रेगुलेटर नहीं लगा तो उसको एक माने, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं हमारे जो छत में जो लाइटें लगती हैं, कंसील लाइटें लगती हैं, ठीक है, उसका कनेक्शन एक स्विच से होता है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट नहीं मानना है, ठीक है। हमारे जितनी लाइटें लगी हैं रूम में आपको उतने पॉइंट मानना है। तो यहाँ पर हमारी छः लाइटें लगी हुई हैं तो हम इसका छः पॉइंट मानेंगे, ठीक है। और जो हमारे रूम में जितनी लाइटें लगी होती है, जैसे कि आप एक यहाँ पर होल्डर लगा है तो इसका एक पॉइंट मानना है, ठीक है। जैसे जितनी लाइटें लगी हुई आपको उतने एक एक पॉइंट मानना, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है। एक यहाँ पर हमारा लैंप लगा हुआ है तो आपको इसका भी एक पॉइंट मान लेना है, ठीक है। हमारी जितनी लाइटें लगी हुई हैं उसमें आपको एक एक पॉइंट मानना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, लैंप का हम एक पॉइंट मानेंगे, बस कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा एक नीचे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक USB वाला सिस्टम लगा हुआ है तो इसका भी हम एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा USB लगा हुआ है तो इसका भी एक पॉइंट मान लेंगे, और जो हमारी सॉकेट लगी हुई है इसका भी हम एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है। सॉकेट में सिस्टम दूसरा होता है कि जो हमारे 6 एम्पीयर की सॉकेट होती हैं उसको हम एक पॉइंट मानते हैं, स्विच से कनेक्शन करेंगे तो एक पॉइंट होगा, और जो हमारा 16 एम्पीयर के सॉकेट स्विच होता है उसमें हम अगर कनेक्शन करते हैं तो हमारा दो पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप 16 एम्पीयर का स्विच सर्किट लगाएं वहां पर आपको दो पॉइंट मानना है, और जहां पर आप लोग 6 एम्पीयर का लगाएं स्विच सर्किट वहां पर आपको एक पॉइंट मानना है, ठीक है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं हमारा 16 एम्पीयर का स्विच सर्किट लगा हुआ है। अब चलिए दूसरे बोर्ड में देखते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक हमारा 16 एम्पीयर का स्विच सर्किट लगा हुआ है और एक हमारा 6 एम्पीयर का स्विच सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके पैसे कैसे लेना है, तो जो हमारा 16 एम्पीयर वाला है इसको आपको दो पॉइंट मानना है, ठीक है, और जो हमारा 6 एम्पीयर वाला है इसको आपको एक पॉइंट मानना है, ठीक है। और कहीं कहीं पर यह सिस्टम होता है कि हमारे जो दोनों 16 एम्पीयर
स्विच सॉकेट लगे होते हैं तो उसमें हम 4 पॉइंट मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर लोग 3 पॉइंट मान लेते हैं। तो ये तो आपके ऊपर, अगर आप लोग माने तो 3 माने या फिर 4 माने, और कहीं कहीं पर हमारे दोनों जो है वो लगे होते हैं, दोनों सॉकेट 6 एम्पीयर के लगे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे कई लोग 1.5 पॉइंट मान लेते हैं, 2 पॉइंट मान लेते हैं। तो ये थे आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा डोरबेल का स्विच लगता है, तो चाहे आप 1 बेस स्विच लगाएं चाहे 2 बेस स्विच लगाएं, इसको आपको एक ही पॉइंट मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक स्विच लगा हुआ है डोरबेल का, डोरबेल का आपको कनेक्शन करना है तो वो आपका एक पॉइंट हो जाएगा। जैसा कि आप सुख देख सकते, चाहे आप जो हमारा सिंगल वाला स्विच आता है वो लगाएं, चाहे मॉडल वाला जो हमारा डबल आता है वो लगाएं, ठीक है, आपको एक ही पॉइंट मानना होगा, ठीक है। और जो हमारा इंडिकेटर आता है इसको आपको हाफ मानना होता है, ठीक है, मतलब कि आधा मानना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखते, हमारा एक इंडिकेटर लगा है तो इसको हम हाफ मानते हैं, मतलब एक का आधा, ठीक है, हमारा जितने रुपये पॉइंट है इसको आधा मानेंगे और हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमारा स्विच सॉकेट के हमने बता दिया आपको एक मानना है। अब चलिए हम एमसीबी बॉक्स में देखते हैं कि आपको एमसीबी बॉक्स में कैसे मानना है और जो हमारे वायर आते हैं उसका कैसे मानना है। तो वायर आपको जो है राउंड के हिसाब से मानना होता है कि हमारा कितनी लंबाई है, तो 1-2 रुपये में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारा एमसीबी बॉक्स है, तो एमसीबी बॉक्स में जो हमारी मेन एमसीबी होती है, चाहे वो डीपी एमसीबी हो या आरसीसीबी हो या हमारी जो इंसुलेटर हो, उसको हम 4 पॉइंट मानते हैं, ठीक है। जो हमारी मेन एमसीबी होती है उसको हम 4 पॉइंट मानते हैं और जो हमारी सिंगल एमसीबी लगी होती है इसको हम 1-1 पॉइंट मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी, हम अगर आप लोग कहीं पर वायरिंग करें तो जो हमारा मेन एमसीबी उसको 4 पॉइंट मानते हैं, जो सिंगल एमसीबी है उसको 1 पॉइंट मानते हैं, ठीक है। और जो हमारा चेंजवायर लगा होता है इसको भी हम 4 पॉइंट मानते हैं, ठीक है। चाहे जहाँ पर वायरिंग करें, आपको चेंजवायर और एमसीबी बॉक्स में जो हमारा मेन एमसीबी होता है उसको हम 4 पॉइंट मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चेंजवायर लगा हुआ है तो इसको भी 4 पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे पॉइंट मानना है। आप चाहे जहाँ पर वायरिंग करें आपको पॉइंट कैलकुलेट ऐसे करना है, बस आपको कभी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम पॉइंट का आपको प्राइस बता देते हैं कि हमारे यहाँ कैसा चल रहा है, कितने प्राइस में चल रहा है पॉइंट, और आपके वहाँ जितना चल रहा हो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। तो हमारे वहाँ 80 रुपये से 200 रुपये के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा अच्छा काम, जैसे फॉर सीलिंग का काम होता है तो वो ज़्यादा महंगा होता है, बट अगर सिंपल वायरिंग है तो 80 रुपये में हो जाता है। हमारे वहाँ 80 रुपये में पॉइंट होता है, बट हमारे वहाँ ये पॉइंट के हिसाब से काम नहीं होता, हमारे वहाँ स्क्वायर फिट में चलता है, क्योंकि स्क्वायर फिट ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको स्क्वायर फिट के हिसाब से नापने का तरीका बता देते हैं और आपको इसमें कैसे पैसे लेने ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर फिट में ये होता है, आप जिस रूम में वायरिंग करें या जिस हाउस में वायरिंग करें तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारी जो येलो वाली जो है दीवार है इसकी लंबाई है 20 फुट, ठीक है। और ये जो आप लोग हमारी ब्लू वाली दीवार देख रहे हैं इसकी हमारी चौड़ाई है 10 फिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लंबाई नापना है, ठीक है, उसके बाद आपको घुड़े का निशान लगाना है कैलकुलेटर में और उसके बाद चौड़ाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे 200 स्क्वायर फीट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रूम 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। अब हाउस वायरिंग का काम कितने रुपए में चलता है इसको आपको गुणा कर देना है। तो हाउस वायरिंग का काम 15 से 20 रुपए के बीच में चलता है, तो हमारा 200 स्क्वायर फीट को 20 से गुणा करना है, उसके बाद हमारा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पैसा आ गया है और इतना हमारा पैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके वहाँ 15 रुपये में चलता है तो आप लोग 15 से गुणा कीजिए, अगर आपके वहाँ 20 में चलता है तो 20 में, अगर 10 में चलता है तो 10 में, जितने रुपये में हमारा वर्क चलता है उतने रुपये में आपको गुणा करना है, बस आपका बिल्कुल आसानी से स्क्वायर फिट में पैसे निकल आएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग पॉइंट में करते हैं तो हमने पॉइंट का तरीका बता दिया आपको, पॉइंट कैसे नापना है, पॉइंट आपको कैलकुलेट वैसे कर लेना है, उसके बाद आपको पैसे जोड़ कर बता देना है, आपको उतने पैसे ले लेना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। और हमारी वीडियो अच्छी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने बहुत मिले।